हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहिम। तो मोहिम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिपिन चंद्रा में पिछले में मैंने चैप्टर थ्री आप लोगों को कराया था, और चैप्टर थ्री में हमने देखा था कि किस तरह से जो है चैप्टर थ्री को मैंने दो पार्ट में कर दिया था आप लोगों का। तो दो पार्ट में करके हमने पूरा भारत में जो अंग्रेजों की जो मंशा रही, भारत में किस तरह से भारत में जिस तरह से वो व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ पर जिस तरह से उन लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो उस साम्राज्य विस्तार को किस तरह से इंग्लैंड से उनको प्रोत्साहन मिला, किस तरह से इंग्लैंड से उनको पुश किया गया, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर कैसे उसको खत्म करने के लिए इंग्लैंड के व्यापारियों ने सरकार पर, वहां के सरकार पर दबाव बनाया और फिर यहां पर जो है वो खत्म किया गया, है ना। और तो उसमें हमने सारे एक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे। बिपिन चंद्रा का अपना एक अलग स्टाइल है, फैक्ट पर थोड़े कम, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बात करते हैं, फैक्ट भी देते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देते हैं। इतना समझ लो कि आपको बिपिन चंद्रा से अलग बहुत सारे फैक्ट्स भी पूछे नहीं जाते हैं आपसे, तो फैक्ट्स भी बिपिन चंद्रा देते हैं। और इसके साथ साथ बिपिन चंद्रा जो है आपको कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया देते हैं कि फिर तो आपको जो है कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना प्रीलिम्स का आपसे छूटता है और ना ही आपका मेंस का छूटता है। ठीक है, नमस्ते। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से भारत का आर्थिक शोषण शुरू हुआ, आर्थिक शोषण जिसमें रेलवे का विकास किया उन लोगों ने, डाक तार टेलीग्राफ का विकास किया उन्होंने, वो भी आर्थिक शोषण का एक पार्ट था, आर्थिक और साम्राज्यवादी शोषण का एक पार्ट था। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में उन लोगों ने अलग अलग भू बंदोबस्त लागू किए। तो वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा जो है स्तंभदारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बारी, महलबारी के बारे में, लेकिन बिपिन चंद्रा एक अलग स्टाइल से, एक अलग तरीके से बिपिन चंद्रा बात करते हैं। तो ये सब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट वन का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, चैप्टर वन टू और चैप्टर थ्री का हाफ पार्ट का मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया है। और आज इसका जो है जो बैलेंस पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे उसका भी मैं शेयर कर दूंगी। तो देखो ये मुहिम है हमारा, तो मुहिम का मैंने आपको टारगेट दिया है कि इस मंथ एंड तक 50 के सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो आज की डेट तक 36 के हो गया है, 35.9 है अभी तक। ठीक है, तो ये जो सब्सक्राइबर जो मैंने दोबारा स्टार्ट किया था 34.7 के थे, अभी ये हो गया है 35.9, यानी लगभग 36 के, शाम तक 36 के हो जाएगा, यानी 36,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो अभी इसमें हमें जो है 14,000 सब्सक्राइबर्स हमें जोड़ने हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है ताकि हमारा व्यूज बढ़े। जो भी बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट हैं जो मुहिम से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने देखा है कि मुहिम से आप लोग बहुत प्यार करते हो, और मुहिम जब मैं नहीं ले रही थी तब भी ये था कि मैम आप मुहिम स्टार्ट करो आप लोगों का था। एक सेकेंड देना, ये मैं पेन ले रही हूं, जरा दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मैम मुहिम शुरू करो, और मुझे भी मुहिम पर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे मैं एकदम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने क्लास में, अपने बच्चों के बीच, अपने घर में हूं, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। तो आपको इसके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, और फिर आपको इसको आगे लेकर जाना है, इस पे व्यूज भी बढ़ाना है ताकि ये मुहिम बन सके, मुहिम वाकई में मुहिम बन सके सबका। ठीक है,
तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मुहिम, वेलकम टू मुहिम। और मुहिम जो है किसकी मुहिम है, तो ये मुहिम है आपके जीत की, तो ये मुहिम है आपके जीत की, ठीक है। तो यहां पर जो है मेरा ये टेलीग्राम लिंक है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये यहां से आप लोगों को रिंकू लाइव कोड से अगर अनअकैडमी पर आना है तो रिंकू लाइव मेरा कोड है। और ये कुछ मेरे बारे में है, दिस इज ऑल अबाउट मी। तो हम लोग जो है आधुनिक भारत, ये क्लास ट्वेल्थ का इतिहास है, कक्षा 12 का, ये कक्षा 12वीं का ये इतिहास है। एनसीईआरटी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आधुनिक भारत। और इसमें हम लोग आ चुके हैं, इसमें हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 3 पर। और चैप्टर 3 का हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर 3 क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचा में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग आर्थिक नीतियां भी पढ़ेंगे। प्रशासनिक ढांचा में हमने पढ़ा कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकी आज किस तरह से आर्थिक नीतियां रखी। तो इसमें एक है इनका जो है संपत्ति का दोहन है, ठीक है। तो जरा इनसे निपट लें। तेजस, देखो किसी का फैन बनना अच्छा होता है, बुरा नहीं है, किसी को पसंद करना भी बुरी बात नहीं है, और उसके लिए एक बार कह देना बहुत काफी होता है। एक बार कह देना काफी होता है कि यस भाई आप मुझे पसंद हैं, आप अच्छे लगते हैं मुझे। तो इसमें अच्छा, कोई किसी को अच्छा लगना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से ढोल पीटना ये बुरा होता है। तो ये जिस तरह से कमेंट सेक्शन में आप लोग इस तरह से टाइप करना शुरू कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ठीक है तेजस जी, थैंक यू, लेकिन अब एक बार आपने कह दिया, अब इसे आप बंद कीजिए और नहीं तो फिर मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर आगे हम लोग जो है क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संपत्ति का दोहन। अब इसमें हम लोग, आप लोग जैसे दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन वगैरह भी आप लोग जो है, ये आज बिपिन चंद्र ने अपने इस चैप्टर में नहीं डाला है, वो अगले उसमें उन्होंने डाला है, लेकिन अभी फिलहाल वो उन्होंने अपने तरीके से बताया है, क्योंकि वो खुद भी एक ऑथर है, तो उन्होंने अपने तरीके से बताया है कि संपत्ति का दोहन कैसे कैसे किया ब्रिटिश लोगों ने। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है GS पेपर 1, ठीक है, GS पेपर 1 में आता है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा ये संपत्ति के दोहन पर प्रश्न होता है, और साथ ही आप लोगों के प्रीलिम्स में भी कई बार एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति मतलब धन, ठीक है, संपत्ति का मतलब धन हुआ, है ना, हाँ नहीं, इट्स ओके। चलिए अब पढ़ते हैं, इतनी बार ऐसे नहीं अच्छा लगता है, चलिए। तो कैसे किया यहां पर, तो ये कहते हैं भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन भेज रहे थे, ठीक है, अंग्रेज ब्रिटेन भेज रहे थे, और इसके बदले भारत का पर्याप्त आर्थिक और भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था यहां, यानी भारत से वो ब्रिटेन तो भेज रहे थे लेकिन वो भारत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं। तो ये कहते हैं कि ये आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की खास विशेषता थी, जो आर्थिक दोहन था वो ब्रिटिश शासन की एक खास विशेषता भारत में रही। और ये कहे मतलब इनका ये कहना है, यहां से आप लोग का क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत में कई विदेशी शासक आए प्राचीन काल से ही भारत में कई विदेशी शासकों का आना लगा रहा आप कह सकते हैं। उनमें और ब्रिटिश शासकों में फर्क क्या था,
उन शासकों में और ब्रिटिश शासकों में क्या फर्क था? तो देखो, फर्क ये था कि जो भारत में जितनी बुरी से बुरी सरकारें आई, मान लो सल्तनत पीरियड में कुछ ऐसे शासक रहे जिन्होंने हिंदू प्रजा को उतने बेहतर से नहीं समझा, या कई बार कई चीजों को लेकर हिंदू प्रजा को कष्ट भी रही, लेकिन ये बुरे से बुरे सरकारों ने जनता से चूसी गई जो दौलत थी, जो कुछ हिंदू भी राजा थे जिन्होंने बहुत करवर लगाए, टैक्स लगाए, लेकिन ये इन लोगों ने जो है जनता से जो चूसी हुई दौलत को का उपयोग देश के भीतर ही किया। तो आपने देखा कि शक आए हुन आए कुशाण आए, शक कुशाण हुन ये भारत से बाहर नहीं गए। इसी तरह भारत में आपके जो है तुर्क आए, खलजी आए, तुगलक आए, तुर्क, खलजी, तुगलक, लोदीज, फिर आपके मुगल आते हैं, कई अफगान शासक, लेकिन ये लोग भारत से बाहर नहीं गए। तो इन लोगों ने जो भी भारत में कमाया उसको इन लोगों ने भारत में ही खर्च किया, भारत का कमाया धन भारत में इन्होंने खर्च किया, लेकिन ब्रिटिश शासक इसको बाहर लेके जा रही थी। ब्रिटिश शासक अलग थी, ब्रिटिश शासक इन सबसे अलग रही, ब्रिटिश शासक भारत में हमेशा विदेशी ही बने रहे, बाकी शासक यहीं आए, यहीं बस गए, यहीं के होकर रह गए, यहां आए तो पर यहां से गए नहीं, लेकिन ब्रिटिश शासक हमेशा विदेशी बने रहे। जो हमारे यहां पर जो तुर्की शासक आए, ठीक है, जो तुर्की शासक हमारे यहां पर आए उनको भारत बहुत पसंद था और वो भारत की जलवायु से, भारत के भौगोलिक उससे प्यार करते थे, लेकिन जो अंग्रेज आए भारत में वो अंग्रेजी श्रेष्ठता की भावना के साथ आए और उनको भारत ना देश से प्रेम था, ना यहाँ की जो है भौगोलिक स्थितियों से, ना यहाँ की संस्कृति से उनको प्रेम था, उनको ये प्रेम था तो यहाँ के पैसे से, और वो यहाँ आए ही इसीलिए थे कि यहाँ से ज्यादा पैसा कमाकर अपने देश लेकर जा सके, ठीक है। तो बस वो अलग अलग योजनाएं बनाते रहे और जो है ब्रिटेन पैसे को ब्रिटेन भेजते रहे। तो लगभग सभी अंग्रेज जो भी भारत में काम कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे, उनको उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत से ज्यादा पैसा कमाकर ब्रिटेन जाना है, यानी 10 साल जम के कमा लो और फिर जीवन भर इंग्लैंड जाकर, अपने देश जाकर आराम करो, यही उनका टारगेट था, ठीक है, यही इनका उनका टारगेट था। तो इससे क्या हुआ कि जनता से जो प्राप्त कर था और उनकी आय का जो बहुत बड़ा भाग था वो कहां जाकर खर्च करते थे, तो वो भारत में नहीं खर्च करते थे, वो इंग्लैंड में ले जाकर खर्च करते थे। तो इस तरह से भारत का पैसा बाहर जा रहा था। तो आप लोगों ने एक वो सुना है, एक गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कि वेल्थ ड्रेन ऑफ इंडिया, जैसे उन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रमेश चंद्र दत्त का नाम सुना होगा, ये भी अगले चैप्टर में बात करेंगे, बिपिन चंद्र, जीसी सुब्रमण्यम, इन सब लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया। तो उस समय अंग्रेजों के समय भारत का धन कैसे कैसे गया, कैसे कैसे भारत का धन वो इंग्लैंड उन्होंने भेजा और उन्होंने क्या क्या तरीके यहां पर अपनाए, वो सब आज की चैप्टर में है और यहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये बिपिन चंद्रा जितना बेस्ट तरीके से और किसी ने भी इसको नहीं लिखा है, जितने बढ़िया से बिपिन चंद्रा ने इसको लिखा है, ठीक है। तो बंगाल से ये शुरू होता है, ये सिलसिला कहां से शुरू होता है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल वेल्थ ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीच में शुरू हुआ था ब्रेन ड्रेन, बीच में क्या शुरू हुआ था, ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ था। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब आप समझते हैं, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि किस तरह से जो है भारतीय जो खोपड़ी है, जो ब्रेन है, वो भारत में काम नहीं करती, अमेरिका जाकर काम करती है, यूरोपीय बाकी अन्य देशों में भी वो जाते हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका गए और अमेरिका का जो सबसे वहां का एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो इनोवेशन करता रहता है वो नासा है, नासा में भारतीय काम करते हैं। तो इसको ब्रेन ड्रेन कहा गया, ठीक है, ब्रेन ड्रेन यानी ब्रेन जो है वो जा रहा है, बाहर की तरफ बह रहा है।
तो कहा गया कि अगर आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी उसकी आई थी शाहरुख खान की, आशुतोष ग्वारीकर ने उसको बनाया था, वो जो फिल्म थी उसमें वो नासा का वैज्ञानिक रहता है और जो है भारत वो आता है अपने गांव में, गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, अपनी माँ से मिलने आता है और फिर वो यहीं रह जाता है। उस फिल्म का कुछ नाम था, उसका एक गाना अक्सर 26 जनवरी 15 अगस्त पर बजता है, तो उसमें यही चीज दिखाया गया था। ठीक है, तो ये चीज ये इस पर बड़ा ये मुद्दा बना रहा काफी दिनों तक मुद्दा बना रहा कि ये जो भारत में ये जो IIT क्वालिफाई करते हैं, जो IITians हैं वो भारत में काम नहीं करते, वो बाहर चले जाते हैं। तो IIT इसलिए बना है कि नहीं, अनुष्का शर्मा नहीं, उसमें एक कोई अलग ही एक्ट्रेस थी, उसमें वो स्वदेश, उस फिल्म का नाम है स्वदेश। ठीक है, स्वदेश नाम है उस फिल्म का। वन रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज, इंडियन पॉलिटी का कॉलिशन गवर्नमेंट चैप्टर, ठीक है करवा दूंगी मैं। यस यस, स्वदेश नाम था, ये देश है मेरा स्वदेश है मेरा, उस फिल्म का गाना है। तो इसमें दिखाया गया था। तो ये जो है ये ब्रेन ड्रेन पे इशू रहा। आजकल आपको पता है कि भारत में फिर से वेल्थ ड्रेन हो रहा है, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ये क्वेश्चन GS पेपर 1 में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपको ऐसे में भी पूछा जा सकता है कि क्या आप इससे सहमत हैं कि भारत में फिर से जो है धन का निष्कासन हो रहा है, फिर से भारत में जो है वेल्थ ड्रेन हो रहा है, फिर बाहर की तरफ भारत का धन बाहर जा रहा है। तो कैसे जा रहा है भारत का धन बाहर? नहीं, वो चलिए मैंने आपको फिल्म बता दी, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी फिल्म है। तो कैसे जा रहा है? तो उदारीकरण के बाद भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनीज आ गई हैं और हम पश्चिमीकरण बढ़ रहा है भारत में। तो भारत में क्योंकि पश्चिमीकरण बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हम लोग विदेशी चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं। तो क्योंकि हम विदेशी वस्तुएं ज्यादा खरीद रहे हैं जो यहां पर विदेशी कंपनियां भेज रही हैं, तो हमारा धन भारत में नहीं रह रहा है। अगर हम कोई भारतीय चीज खरीदेंगे तो भारत का धन भारत में ही रह जाएगा। तो मान लो मैं विक्रेता हूं, आप खरीदार हो, हम दोनों इंडियन हैं, तो आप कहीं नौकरी करते हो, अपनी सैलरी से मेरा सामान खरीदा, मेरे से जो खरीदा तो मेरा इनकम हुआ, मेरी चीज भी कि मेरा इनकम आया, मैं वापस अपनी जरूरत की चीजें उसी पैसे से खरीदूंगी, तो मैं भारत में ही खरीदूंगी। तो इस तरह क्या होगा कि जो पैसा है वो भारत में ही घूमता रहेगा। लेकिन जो हम लोग एलेन सोली, कलर प्लस, पीटर इंग्लैंड, नाइकी, एडिडास और प्यूमा, इन सब ये जो आप लोग खरीदने लग गए हो, तो ये क्या हो रहा है कि ये हमसे लेकर ये बाहर भेजते हैं, अपने देश में भेजते हैं। तो अगर आप घड़ी जो खरीदते हो, तो आप जो घड़ी खरीदते हो राडो, तो वो स्विट्जरलैंड वो पैसा जाएगा आपका, वो भारत में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप टाटा का खरीदोगे तो टाटा का पैसा जो है भारत में रहेगा। देखो मैंने टाटा की घड़ी पहनी है, टाटा जाइलस टाटा का एक अच्छा ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड। तो आपको ये चीज भारत में फिर से उदारीकरण के बाद, निजीकरण के बाद, मोबाइल के थ्रू भी जा रहा है। तो आपको यहां से आजकल फिर ये फिर से जो है स्थिति जो है बहुत चिंताजनक बन गई है, फिर से बन चुकी है ये स्थिति। और ये उस समय अंग्रेजों के समय की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। तो अंतर क्या है कि गवर्नमेंट अभी हमारी है, तो गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाती है, और उस समय गवर्नमेंट विदेशी थी और वो भारत के वेलफेयर के लिए नहीं, वो इंग्लैंड के वेलफेयर के लिए, अपने वेलफेयर के लिए नीतियां बनाती थी। ठीक है, और अभी भारत कुछ रक्षात्मक शुल्क
हालांकि उदारीकरण का मतलब ही है ये कि जो आयात कर जो है, जो इंपोर्ट टैक्स है, उसको जो है बहुत वो कर दिया गया है, नॉमिनल कर दिया गया है। लेकिन जो है फिर भी भारत कुछ कुछ नीतियां भी बना रहा है, लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति भारत की होती जा रही है वैश्वीकरण और उदारीकरण की वजह से। तो बंगाल से जो है ये जो अंग्रेजों के समय ये जो ड्रेन है, वेल्थ ड्रेन है, जो ये संपत्ति का जो दोहन है, ये 1757 में आरंभ हुआ, तो ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने इसको पढ़ा, सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा ना इसको हमने, कि फर्स्ट चैप्टर में था आपका, मेरे ख्याल से ये आपका आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में था, सेकंड चैप्टर में था, बंगाल वगैरह सारा वो था सेकंड चैप्टर में। तो ये बंगाल से शुरू होता है, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में ही था ये। तो बंगाल में आप लोगों ने देखा कि कब से कब तक, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि बंगाल में जो द्वैध शासन है वो कब से कब तक रहा, और उस ये वो संपत्ति का दोहन एक्चुअली वहीं से शुरू होता है। जो संपत्ति का दोहन है वो तभी से शुरू होता है जो वेल्थ ड्रेन है, तो कब से कब तक रहता है ये, कब से कब तक? जी मैम नहीं दिया, बताओ पीरियड बताओ कि बंगाल में डायर्ची था ना, हम लोगों ने जो अंतिम नवाब की बात की थी, मैंने मुबारकुद्दौला कह दिया था, फिर बात हुई थी कि नहीं मुबारकुद्दौला नहीं है, नबीबुद्दौला है ना, नजीमुद्दौला, वेरी गुड। तो विश्वजीत ने बिल्कुल सही बताया है, और दीपिका सिंह ने भी बताया, पर उनका शायद टाइपो मिस्टेक है। तो 1765 से 72 बंगाल में ये शुरू हुआ, और सबसे ज्यादा इसी टाइम पे हुआ। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, कंपनी के नौकर भारतीय शासकों से, जमींदारों से, व्यापारियों से, साधारण जनता से, सबसे घूस के रूप में, मुआवजे के रूप में, फाइन के रूप में जमा की गई बेपनाह दौलत अपने देश लेकर जाने लग गए, ठीक है। तो 1757 में पलासी वॉर होता है, 1758 से यहां पर वो लोग जो है धीरे धीरे, पहले फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, और फिर नजीमुद्दौला। तो 1758 से 65 के बीच उन्होंने नजीबुद्दौला के पहले तक उन्होंने लगभग 60 लाख पाउंड की दौलत ब्रिटेन भेजी, और 1765 में नवाब के साथ दयार्ची स्थापित करके जमीन की कुल जितनी मालगुजारी प्राप्त हुई ये रकम उससे 4 गुना इनकी अधिक थी। और द्वैध शासन के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। तो अब बंगाल के राजस्व से फायदा क्या हुआ कि ये बंगाल के राजस्व से ही, यानी बंगाल से जो इनको रेवेन्यू मिलता था उसी से यहां का माल खरीद कर और इंग्लैंड भेजने लगे। और इसके पहले स्थिति क्या थी, इसके पहले वो इंग्लैंड से चांदी और सोने के सिक्के मंगवाते थे और भारत से चीजें खरीदते थे और इंग्लैंड भेजते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब ये लोग यहीं से कमाकर और यहां की चीजें खरीद कर और इंग्लैंड ले जाकर बेचने लगे, डबल मुनाफा, ठीक है। तो 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 9% बाहर भेजा जा रहा था, लगभग 9%, ठीक है। और पर यह वास्तविक दोहन और भी अधिक था, 9% तो कागज पर था, समझ लो 9% तो कागज पर था, जो वास्तविक दोहन इससे और अधिक था। कैसे, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों का जो वेतन था, जो उनकी सैलरी थी, बाकी जो उनके दूसरे आय थे, जो अंग्रेज व्यापारियों का व्यापारिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा भी इसी तरह से इंग्लैंड जाता रहा। ये कहते हैं कि वार्षिक दोहन का ठीक ठाक रकम का हिसाब नहीं लगाया जा सका है अभी तक, पर कम से कम 1757 से 1857 के बीच ये जो दोहन होता रहा, ये जो भारतीय धन का एक्सप्लोटेशन होता रहा, इसके बड़े से ब्रिटिश अधिकारी स्वीकार करते हैं। उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इस बात को खुद ही स्वीकार करते हैं कि हाँ भेजा जा रहा था। तो इसमें जैसे मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे जॉन सुलिवन, ठीक है, महाराष्ट्र के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अध्यक्ष थे जॉन सुलिवन,
तो जॉन सुलिवन कहते हैं कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पेन की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। ठीक है, तो यानी ये मतलब समझे कि गंगा के मुहाने पर सभी अच्छी चीजें सोख कर और लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है, यानी भारत की सभी अच्छी चीजों को लंदन लेकर जाया जाता है। ये खुद मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन, ये बहुत इनकी ये टिप्पणी बहुत फेमस हुई थी, कई बार यूपीएससी सिर्फ यही लिख कर क्वेश्चन कर चुका है, सिर्फ यही इसी को लिखकर कि सभी मतलब अंग्रेज जो है गंगा के मुहाने से सारा धन सोकर टेम्स नदी के मुहाने पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये समीक्षा कीजिए, 1858 के बाद ये दोहन और बढ़ता चला गया, लेकिन बाद में जो ब्रिटिश शासक इस सच्चाई से इनकार करने लग गए, शुरू वाले तो ऑनेस्ट थे, शुरू वाले भारतीयों के साथ जो गलत होता था उसको एडमिट भी करते थे, कहते थे हो रहा है, आपने सेकंड चैप्टर में भी देखा, लेकिन बाद वाले और चालाक निकले, बाद वालों ने इसको जो है मानने से भी इनकार कर दिया। तो 19वीं सदी के अंत तक ये दोहन भारत के राष्ट्रीय बचत का लगभग एक तिहाई था। 19 सेंचुरी तक आते आते भारत का जो एनुअल जो सेविंग था उसका जो है एक तिहाई जो है इंग्लैंड जा रहा था। तो 18वीं सदी में और 19वीं सदी के आरंभ में खासकर ब्रिटेन के औद्योगिकरण के आरंभिक काल में भारत से बाहर ले जाए गए धन की ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास के लिए बहुत भूमिका रही। कहते हैं कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई होती, यानी मशीनों के आविष्कार वगैरह के लिए पैसा चाहिए होता है, अगर भारत का धन नहीं गया होता, यानी भारत के धन ने बहुत मदद की। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि उस काल में दोहन की यह रकम ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% होता था। ठीक है, तो हाँ, अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि उस समय अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 7% ब्रिटेन के उद्योग और कृषि में लगता था, तो इस आंकड़े का महत्व समझ में आ सकता है कि अगर हम ये अनुमान लगाते हैं कि ब्रिटेन उस समय का जो है ब्रिटेन की मतलब ब्रिटेन के उद्योग और कृषि में भारत के राष्ट्रीय आय का 7% वहां पर खर्च होता था, वहां पर लगता था। तो ये था ब्रिटेन के जो है मतलब किस तरह से आर्थिक शोषण बंगाल से शुरू होता है और चलता है। और अब उस आर्थिक शोषण के इन लोगों ने कुछ टूल्स बनाए कि ज्यादा अच्छे से अच्छे अच्छी तरह से, मतलब मैं आपके शरीर से, मैं नेहा कुमारी के शरीर के एक खून के एक एक बूंद को कैसे सिरिंज से खींच सकती हूं, इसके लिए मैं तरीके बनाऊं। तो शुरू में तो हर जगह खून है, यहां लगाओ तो खून मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे खून की कमी होती जाएगी, वो नस ही नहीं मिलेगी जिसमें खून है, तो उसके लिए और सोचना पड़ेगा ना, कि अब किस तरीके से मैं निकालूं। तो ये हो रहा था, इंग्लैंड यही कर रहा था भारत के साथ, कि शुरू शुरू में तो भारत में खूब धन था, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि अकाल पड़ने लग गया, भूखमरी से किसान मरने लग गए, तो धीरे धीरे भारत खस्ता हाल होता गया। लेकिन इन्होंने तब भी छोड़ा नहीं भारत को, वो नए नए तरीके ईजाद करते गए और तरीके निकालते गए कि अब वो नस कहां से खोजी जाए जहां से और खून निकल सके। ठीक है, तो यही करता रहा ब्रिटेन। तो अब इसमें भारत से कच्चे माल को मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप आगे देखो। आपने ये पढ़ा है ना कि भारत में रेलवे अंग्रेजों ने चलाया, टेलीग्राफ डाक तार अंग्रेजों ने चलाया, इसका जो इन्होंने विकास किया यातायात और संचार के साधनों का, तो ये इस यातायात और संचार के साधनों का जो उन्होंने विकास किया इसके पीछे उनके क्या उद्देश्य थे। तो भारत में पहले क्या स्थिति थी, फिर उन्होंने बाद में क्या स्थिति हुई, उन्होंने किस तरह से इसका विकास किया, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे शुरू से, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया कि आप साथ साथ चलो, कैसे कैसे कहते हैं बिपिन चंद्र। तो 19 सेंचुरी के मध्य तक यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे और मुख्य तौर पर बैलगाड़ी और तांगों तक ही ये सीमित था। तो हम लोग जब मुंबई
मुंबई से जब हम लोग आते थे और गांव जाना होता था तो एक तांगे वाले चाचा थे, मुसाफिर चाचा कहते थे हम लोग उनको, वो इंतजार कर रहे होते थे रेलवे स्टेशन पर। और उस रेलवे स्टेशन से मेरे गांव का जो रास्ता था वो कम से कम, मतलब अभी अगर आज की डेट में रेलवे स्टेशन से मेरे गांव जाओ तो आपको हाफ एन आवर लगेगा, 35-40 मिनट्स मैक्सिमम, खूब आराम से उतर उतर के जाओगे तो एक घंटा। लेकिन उस समय तांगे वाला जो है वो, जो हम सुबह उतरते थे और जो बैठते थे हम लोग गाड़ी में, शाम हो जाती थी, लगभग शाम हो जाती थी गांव पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो ये उस समय ऐसा था, यही वही एक रास्ता ही था, यही मतलब ऑप्शन ही था, या तो आप तांगे से जाओ या बैलगाड़ी से जाओ। तांगा यानी जिसको घोड़ा या गधा खींचता था, और बैलगाड़ी यानी जिसको बैल, थोड़ा सा बनावट में भी फर्क रहता था, थोड़ा बनावट में भी फर्क, तांगा थोड़ा हल्का, बैलगाड़ी थोड़ा सा भारी होता था। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि कैसे हम रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन हम तांगे से आते थे, तांगे से जाते थे, और गांव में दो चार ऐसे प्रोफेशनल लोग थे जो कि यही काम करते थे, यही चलाया करते थे। तो आपका ये तो ये 19th सेंचुरी की, मैं तो आपको 20th सेंचुरी की बात बता रही हूं, मैं आपको 20th सेंचुरी की बात बता रही हूं कि जब मैं बचपन की बात बता रही हूं जब ये होता था, जस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये 90s की बात मैं बता रही हूं आपको, 90s की, ठीक है, कि मतलब ये स्थिति थी। लेकिन बाद में जो है, बाद में बहुत डेवलपमेंट, तो गांव तक ये डेवलपमेंट पहुंचते पहुंचते और टाइम लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने रेलवे लाइन वहीं तक बिछाई जो उनके अप्रोच में था। उसके आसपास ऐसे हजारों गांव थे जो कि कनेक्शन से कटे हुए थे, और वहां तक रोड पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लगा। तो पिछले पांच, मतलब मैं आपको बताती हूं, तो पिछले मुझे लग रहा है कि 8-10 सालों में, पिछले 8-10 सालों से कनेक्शन सब ठीक हो गया है, खूब रोड बढ़िया बन गया है। लेकिन उसके पहले कच्ची रोड थी, रोड था लेकिन कच्ची रोड थी, बारिश में कीचड़ हो गया, टूट गई, कई बार ऐसा होता था। तो इस तरह से ये सिस्टम था। तो अंग्रेज जब आते हैं तो वहां पर आप सोचो कि 19वीं शताब्दी में तो ये बैलगाड़ी, तांगे, ये भी बहुत सीमित, लोग पैदल ज्यादा चला करते थे, दूर दूर तक लोग पैदल चला करते थे। तो ब्रिटिश शासकों ने यह महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है, यानी औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, तो ब्रिटेन में के मशीन से बने हुए सामानों को अगर भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है, ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहां से कच्चा माल प्राप्त करना है, तो यहां पर यातायात के साधन को विकसित करना पड़ेगा, सस्ती यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना पड़ेगा, जरूरी है अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बेचना है और भारत से कच्चा माल प्राप्त करना है। तो अगर आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत में रेलवे के विकास के पीछे, ठीक है, रेलवे या कह लीजिए यातायात के अन्य साधन के विकास के पीछे क्या कारण थे, क्या उद्देश्य था? तो यही, कई उद्देश्य थे उनके, वो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, ये ठीक है, एक एक करके। तो ये सारे उद्देश्य थे ये। तो पहला आपने पढ़ लिया कि ब्रिटिश मालों को खपाना और यहां से कच्चे माल को प्राप्त करना। और इसके साथ आप अभी अन्य और भी कारण मैं बताती जाऊंगी, अभी पहला आपने नोट किया। तो इसके लिए इन्होंने पहले क्या किया कि नदियों में स्टीमर चलाना शुरू किया, सड़कों को सुधारना आरंभ किया पहले फेज में। फिर कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यानी जो शेर शाह ने जो कलकत्ता से दिल्ली तक, कलकत्ता के सोनार गांव से अटक तक जो उन्होंने रोड बनाई थी, तो ये रोड, इस रोड को उन्होंने सुधारा,
इस रोड को सुधारा और इसको जो है ये इसमें 1839 में उन्होंने काम शुरू किया और 1850 के दशक में शुरू किया और उन्हीं जिन्होंने सुधारा उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है ग्रैंड ट्रंक रख दिया गया। तो सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों को, बंदरगाहों को, मंडियों को इन्होंने जोड़ने के प्रयास किए। तो शुरू में इन्होंने सड़कों को सुधारा, ठीक है, पर कुछ वास्तविक खास तौर पर सुधार सड़कों से नहीं हो पाया, ये रेलवे के आने के बाद ही हुआ। तो सड़कों से इनको जो है बहुत फायदा नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने जो है जॉर्ज स्टीवेंसन, इंग्लैंड में जॉर्ज स्टीवेंसन ने पहला रेलवे इंजन 1814 में उनका बनाया हुआ पहला रेल इंजन 1814 में पटरियों पर चलाया गया था। तो इंग्लैंड में कब पहली बार रेलवे चली, तो 1814 में, और भारत में ये आ गई लगभग 40 साल बाद। भारत में 1854 है, तो इंग्लैंड में 1814, भारत में 1854। तो पहला रेलवे इंजन किसने बनाया, तो पहला रेलवे इंजन बनाया जॉर्ज स्टीवेंसन ने, जो कि इंग्लैंड में 1814 में चला। इसके बाद अब भारत में ये लगभग 40 साल बाद लेकर के आते हैं, ठीक है। तो भारत में जो रेलवे के विकास के पीछे इनका उद्देश्य और जो प्रक्रिया रही उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से आप लोगों को बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1853 है ना, हाँ 1853 है, 1853 है, ठीक है, ये पुणे से ठाणे है ना, 1853, ठीक है। तो आप लोगों का तो लगभग 40 साल बाद भारत में, तो भारत में कैसे आता है, तो देखो इंग्लैंड में 1830 से 40 के दशकों में रेलों का तेजी से विकास होता है इंग्लैंड में, और फिर भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगा। किसका दबाव पड़ने लगा, तो व्यापारियों का, ठीक है। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों को यह आशा थी कि देश के भीतर के दूर दराज के इलाकों के विशाल तथा भी पकड़ से बाहर जो बाजार है वो बाजार उन्हें मिल जाएगा। तो भारत में यातायात के साधनों के विकास के पीछे या रेलवे के विकास के पीछे जो हमने बात की, पहला कारण क्या था, बाजार, भारतीय बाजार, और दूसरा कारण था कच्चा माल प्राप्त करना। इसके अलावा ब्रिटिश बैंकर और निवेशकर्ता जो थे वहां पर अच्छी पूंजी जमा हो गई थी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से अच्छी पूंजी जमा हो गई थी। तो यहां पर जो ब्रिटिश बैंकर थे और जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि पूंजी सुरक्षा के साथ भारत में रेलों के विकास में लगाई जा सकती है। अगर हमको सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए, तो हम रेलवे में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी हमको इंटरेस्ट दे। और आवाज में भरभराहट लग रही है किसी को, तो अभी ये भरभराहट नेचुरल है, माइक में कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो माइक में कोई कमी नहीं है। अभी ये जो भरभराहट आपको सुनाई पड़ रही है ये नेचुरल है, और अभी ये जो है स्वास्थ्य के कारणों से हो रही है। तो अभी फिलहाल कुछ कई दिनों से गला खराब है, कोल्ड हुआ था, आप लोगों को तो याद होगा आप लोगों को 15 अगस्त को आवाज ही नहीं निकल रही थी, फिर भी मैंने कुछ क्लासेस ली थी, तो धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा कारण पूंजी का निवेश, दूसरा कारण आप लिखोगे, और ये अक्सर हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को तो बहुत ज्यादा ये अक्सर पूछा ही जाता है ये, और जीएस पेपर में भी, पेपर वन में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो इंग्लैंड में जो पूंजी जमा हो गई थी, तो वहां पर जो बैंकर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर वहां पर भारत में अगर कंपनी अगर हमें सिक्योरिटी देती है, और या फिर बाद में मान लो 1857 के बाद सीधा ब्रिटेन का शासन हो गया भारत में, तब भी यही था कि अगर हमको भारत में सिक्योरिटी मिलती है तो वहां पर हम भारत में अपना पूंजी
निवेश करेंगे। तो ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को लगा कि उनके उत्पादन जैसे पटरियां, इंजन के डब्बे, दूसरी मशीनें, ये इनकी बिक्री से बढ़ जाएगी। तो ये तीसरा कारण हो गया आपका, ये तीसरा कारण हो गया, ठीक है, कि वहां के जो इस्पात उत्पादकों को भी इसमें लाभ दिखा कि हमारे जो है पटरियां, डब्बे, भाई जाहिर है रेलवे लाइन पूछेगा तो लोहे की चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी ही जो भारत सरकार है वो भी इस दृष्टिकोण से सहमत हो गई, यानी इंग्लैंड की भारत में सरकार। तो रेलों के रूप में एक और इनको जो लाभ था, जो और अच्छी बात थी, तो पांचवा कारण जो है आप कहेंगे कि एक इनसे इनको जो है एक और जो सबसे बेहतर, जो सबसे अच्छी बात नजर आई वो ये थी कि सैनिकों की भर्ती और आवाजाही तेजी से हो सकती थी। सैनिकों की भर्ती अलग अलग क्षेत्रों से तेजी से हो सकती थी और विद्रोह वगैरह को दबाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों की आवाजाही भी तेजी से हो सकेगी। तो इस तरह से प्रभावी और कुशल ढंग से देश का प्रशासन चलाना और आंतरिक विद्रोह और बाहरी हमलों से शासन की सुरक्षा कर सकना संभव हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जो थी, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इन लोगों को लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में वो इस चीज को झेल चुके थे। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव किसने दिया, तो ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन। पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया। और लेकिन ये रेल कैसा था, तो ये रेल कोयले से चलने वाला नहीं था, इंजन से चलने वाला नहीं था, इस रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे, रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। तो भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया, ठीक है। तो 1834 में इंग्लैंड में पहला प्रस्ताव रखा गया और इंग्लैंड के जो रेलवे प्रमोटर थे, जो वहां के फिनेंशियल जो मतलब लोग थे जिनके पास पूंजी थी, वित्तपति जो थे, जो भारत से व्यापार कर रहे व्यापारिक घराने थे, जो कपड़ा उत्पादक थे, उनसे इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला क्योंकि इनको फायदा था इससे। और ये तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइनें बिछाएं और रेलें चलाएं, सरकार ने प्राइवेट, ये हुआ। फिर भारत सरकार ने जमानत दी, उनकी पूंजी की जमानत भारत सरकार ने दी इन कंपनियों को और कहा कि कम से कम 5% का लाभ आपको मिलेगा। तो ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट लाभ देने की बात थी, ठीक है, कि भारत में जो पूंजी निवेश किया गया रेलवे में उस पर कितने परसेंट का लाभ मिला निवेशकों को, तो 5% का लाभ उनको दिया गया। तो पहली रेल वही मुंबई से थाने 1853 में खोल दी गई। तो 1849 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत में 1848 to 1856, तो यहां तेजी से रेल लाइन बिछाने का वो पक्का समर्थक था। सबसे ज्यादा उसने इंटरेस्ट लिया इसमें और 1853 में उसने अपने प्रसिद्ध नोट में रेलों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम उसने सामने रखा, क्योंकि डलहौजी ये जानता था कि अगर रेलवे बिछ गया तो भारत को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकेगा। तो पक्का समर्थक था ये आप लोग का डलहौजी। इस बार कर्जन पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2020 में कर्जन पर क्वेश्चन आया था कि कर्जन कट्टर था बहुत, लेकिन कई तरीके से उसने भारत का विकास भी किया। उसी तरह आपका डलहौजी पर क्वेश्चन आता है कि डलहौजी अप्रत्यक्ष रूप से भारत, आधुनिक भारत का निर्माता था। उस बहुत इंपीरियलिस्टिक था, ये तो आप लोग देखते ही हो, आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि कैसे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया व्यापगत का सिद्धांत। तो साम्राज्यवादी स्वभाव का तो वो था ही, लेकिन उसके कार्यों ने
ना चाहते हुए भी उसका इंटेंशन भारत का आधुनिकीकरण नहीं था, वो अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत और सुरक्षित बना रहा था, लेकिन उसके कार्यों ने भारत का आधुनिकीकरण किया। तो इनडायरेक्टली भारत के आधुनिकीकरण का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। ठीक है, तो डलहौजी ने भारत में रेलवे, डाक, तार, पीडब्ल्यूडी, अभी ये भी पढ़ेंगे आप लोग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इन सब की शुरुआत की। तो 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त ये जो कंपनियां थी, जमानत प्राप्त कंपनियां कि आपको हम 5% देंगे ही देंगे, आपको हम जो है इंटरेस्ट इस पे, 4000 मील से अधिक लाइन बिछा चुकी थी, 4000 माइल से ज्यादा लाइन बिछा चुकी थी, और ये प्रणाली लेकिन काफी खर्चीली और धीमी साबित हुई, पर ये प्रणाली जो है काफी खर्चीली साबित हुई और धीमी साबित हुई। तो इसलिए 1869 में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल बिछाने का फैसला किया, यानी अब सरकार बिछाएगी ये कहा गया। अब क्या कहा गया, अब ये कहा गया कि अब सरकार बिछाएगी। ठीक है, तो अब क्या कहा गया कि अब ये रेलवे लाइन, ये क्योंकि ये जो कंपनी प्राइवेट कंपनियों ने बिछाया, तो 1853 से 1869 तक 4000 माइल बिछा चुकी थी, तो लेकिन ये स्लो था, काफी धीमी प्रक्रिया थी और खर्चीली थी, क्योंकि सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था इन कंपनियों को। तो 1869 में फैसला किया गया कि अब सरकारी नियंत्रण में रेलवे लाइन बिछाया जाएगा। तो हालांकि रेलवे की जो गति थी, यानी रेलवे के प्रसार की जो गति थी, वो ब्रिटेन के व्यापारियों को अभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई, तो 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां भी और सरकार भी दोनों ने मिलकर रेलवे लाइनें बिछाई भारत में, दोनों ने मिलकर। जैसे अभी रेलवे में आ गया है ना FDI, तो उसी तरह से उस समय जो है विदेशी, मतलब प्राइवेट कंपनियां PPP मॉडल एक तरह से कह लीजिए, तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों ने मिलकर तो 1905 तक लगभग 28000 मील लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। तो भारतीय रेलवे के विकास के तीन महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में हम लोगों को रखना आवश्यक है। तो जो भारत में जो रेलवे का विकास हुआ, इसके तीन महत्वपूर्ण पक्ष रहे, तीन, ठीक है। तो तीन महत्वपूर्ण पक्षों में कौन कौन सा रहा तीन महत्वपूर्ण पक्ष, तो उस पर अभी देखते हैं। एक वाटर ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, तो तीन महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या रहे। तो पहला कि इन रेल लाइनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी थी। इन रेल लाइनों में 350 करोड़ से अधिक की इसमें जो है पूंजी लगी हुई थी, और ये पूंजी लगभग पूरी की पूरी ब्रिटिश पूंजी निवेशक थे उनकी थी। तो इसमें भारतीय पूंजी नाम मात्र का था, मतलब नगण्य था, भारतीय पूंजी था ही नहीं, आप ये कह सकते हैं नगण्य, मतलब बहुत कम, तो भारतीय पूंजी नगण्य था। ठीक है, तो यह इसमें सारे की 350 करोड़ रुपए से अधिक की जो पूंजी लगी थी रेलवे लाइन बिछाने में, ये सभी के सभी जो है ब्रिटिश पूंजी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा, 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा, और पूंजी लगाने वाली जो वो थी वो ब्याज तक भी नहीं दे सकती थी। ठीक है, वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती थी। प्राइवेट कंपनी ने जो रेल लाइनें बचाई थी उनका घाटा तो भारत सरकार ने पूरा किया, भारत सरकार ने, क्योंकि वो लगाई गई पूंजी पर एक निश्चित लाभ देने की जमानत तो उसने दे दिया था कि वो 5% देगी। निश्चित लाभ क्या था, 5%। तो भारत सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियों से ये वादा किया था कि वो 5% उनको देगी,
पूंजी निवेश का, तो वो भारत सरकार को देना पड़ा, वो किसानों की जेब से फिर फाइनली लिया। रेलवे से उनको इतना लाभ नहीं हुआ क्योंकि रेलवे चल तो गई थी लेकिन अभी रेलवे का इतना इस्तेमाल हो नहीं रहा था, इतना जैसे अभी अभी मान लो रेलवे का कैसे खर्चा निकलता होगा, यात्री भाड़े से माल भाड़े से, तो ऐसी तो रेलवे अपना खर्च निकालती होगी। तो अभी आप देखते हो कि एक टिकट कराने जाओगे तो कितना समय लग जाता है आपको टिकट बनवाने में, लेकिन उस समय रेलवे को इतना फायदा नहीं हुआ। अब इस घाटे को जो भारत सरकार यानी भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने दिया, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि रेलों की जो योजना तैयार किया गया, जो तरु योजना तैयार करने, उनका निर्माण करने तथा उनके प्रबंध में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को महत्व नहीं दिया गया था, भारत की जनता को ध्यान रखकर बिल्कुल भी नहीं किया गया था। जैसे आज की डेट में मान लो कि सरकार वहां पर एक छोटा सा स्टेशन टर्मिनल या हाल्ट बना देती है कि यहां से पैसेंजर बहुत है, लोगों को असुविधा हो रही है, ये चीज नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने वहां वहां पर बनाया जहां से उनको जो है बाजार मिल सकता था और जहां से वो कच्चे माल प्राप्त कर सकते थे। तो ये चीज इनको मतलब ध्यान रखा गया, और सैनिक हितों की पूर्ति के लिए भी, ठीक है, सैनिक हितों की पूर्ति का भी एक ध्यान रखा गया। तो इन सब हितों का ध्यान रखते हुए इस लाइन को बिछाया गया था, ठीक है। तो ये रेल लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी कि कच्चा माल जहां से मिले और वो सीधा बंदरगाह तक पहुंचा दे, क्योंकि पानी के जहाज के रास्ते इंग्लैंड जाता था। तो आज भी समझ लो कि ज्यादातर जो ये रॉ मटेरियल्स या जो भी व्यापार है विदेशों से वो पानी के जहाज के रास्ते ही होता है, सोफिस्टिकेटेड चीजें कोई कोई जो है बाय प्लेन आ जाती हैं। तो रेल भाड़ा इस प्रकार तय किए गए थे कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और वस्तुओं का जो अंदरूनी आवागमन है, यानी भारत के मान लो कि मध्य प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र के कपास की जरूरत है, तो अंदरूनी लाइन ऐसे बिछा दिया जाए कि दोनों को मिलता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसको तो और डिस्करेज किया गया कि अंदरूनी आयात निर्यात ना हो सके, ठीक है। और रेलवे लाइन को के साथ साथ इन्होंने कुशल डाक प्रणाली भी कायम की, तार की व्यवस्था की शुरुआत की, तो 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहला तार का लाइन शुरू हुआ था। तो 1853 ही रेलवे और टेलीग्राफ दोनों के लिए है। तो 1853 में जो रेलवे चली थी मुंबई से ठाणे के बीच और जो टेलीग्राफ की तार की जो लाइन थी वो कलकत्ता और आगरा के बीच, ठीक है। तो ये भी आपका प्रीलिम्स फैक्ट है। तो 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहला तार का लाइन बिछाया गया और लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, डाक टिकट भी किसने शुरू किया भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो इससे पहले जब भी कोई पत्र डाक के हवाले किया जाता तो नगद पैसा देना पड़ता था, मतलब आपको जैसे लेटर कहीं भेजना है तो आपको जो है डाकियों को नगद पैसे दोगे, और वो इतना ज्यादा होता था कई बार कि मतलब वो आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए इसने डाक की दरें घटा दी और पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखा गया, यानी आपको एक रुपए का टिकट या दो रुपए का टिकट। तो ये बाद में महंगा हुआ था, उस समय एक अधन्नी यानी पुराने दो पैसे के बराबर था, आधा आना यानी पुराने दो पैसे के बराबर, पुराने दो पैसे के बराबर जो है ये डाक का टिकट हुआ करता था। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकी मालगुजारी की नीति। मालगुजारी यानी लैंड रेवेन्यू, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। तो देखो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आपने सुना है, आप सब लोगों ने कई बार कई किताबों से पढ़ा होगा, तो थोड़ा थोड़ा सुना होगा, लेकिन आज आप बिपिन चंद्र पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिपिन चंद्र आपको पूरी तरह से एकदम कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे कि क्या उद्देश्य था, किस तरह से इसको किया गया।
समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिस तरह बिपिन चंद्र समझाएंगे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो भूल नहीं पाओगे। और इस पे हमेशा लिखने को मिलता है और आप इसको आप लिख भी पाओगे, ठीक है? तो देखो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ रख दिया मैंने, कोई नहीं, चलो। तो मालगुजारी की नीति में जो है, कैसे क्यों लाना पड़ा इनको, सबसे पहले मालगुजारी नीति बनाने के पीछे क्या कारण थे, यानी लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई उसके पीछे कारण क्या थे, ठीक है, क्या कारण थे उसके पीछे। तो कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, क्यों 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 थी, किस लिए थी? तो आयात के लिए जो है, भारतीय दस्तकारों के तथा दूसरों माल को खरीदने के लिए। इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड भेजने के लिए जो भारतीय दस्तकार, दस्तकार समझ रहे हो ना, आर्टिशंस जो चीजें बनाते थे, जो चीजें बनाते थे, तो भारतीय जो आर्टिशंस थे उनके उनके चीजों को, कोई जैसे हाथीदार से बनी हुई चीजें, सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, बहुत सारे जो है तांबे का, कई तरह के कशीदाकारी यहां पर हुआ करता था, तो उनको खरीदने के लिए, बाकी दूसरे माल खरीद कर खरीदने के लिए पैसा चाहिए था इनको, पूरे भारत के विजय का खर्च उठाने के लिए। भारत के विजय भारतीय पैसों से किया गया, भारत के विजय के लिए बड़ी सेना की जरूरत थी, सेना को आप कैसे खड़ी करोगे, तो आपको वेतन देना पड़ेगा उनको, हथियार देना पड़ेगा उनको, वो पैसे कहां से आएंगे, तो भारत से, उन्होंने भारत से ही लिया उसको, ठीक है। तो भारत के विजय का खर्च उठाने के लिए, भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के लिए, अगर आपको पूछा जाए कि आप जैसे, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश सरकार, भारत में ब्रिटिश शासन ने या औपनिवेशिक शासन ने अलग अलग राजस्व व्यवस्था कायम किया, अलग अलग भू बंदोबस्त कायम की, उसके पीछे क्या कारण थे, मुख्यतः क्या कारण थे, तो आप ये सब लिखोगे कि भारत कंपनी को भारतीय राजस्व की पैसे की क्यों जरूरत थी। तो पहला, भारत का माल खरीदने के लिए जो उन्हें इंग्लैंड भेजना था। दूसरा, भारत, पूरे भारत का विजय के लिए, भारतीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। और आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर ऊंचे प्रशासकीय और सैनिक पदों पर हजारों अंग्रेजों को नियुक्त करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, जैसे आज की डेट में आप लोग जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसे वो लोग ऑफिसर रैंक पर इंग्लैंड से लोगों को लेकर आते थे। भारतीय ग्रामों और दूर दराज के क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी पूरी घुसपैठ के लिए, तो दूर दराज के गांव और के और जो क्षेत्र थे, गांव और जो दूर दराज के जो क्षेत्र थे, वहां पर ये कैसे पहुंचेंगे, तो वहां पर सड़क की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, रेलवे की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वहां पर प्रशासन तंत्र कायम करना पड़ेगा, उस पर खर्च आएगा, आवश्यक आर्थिक और प्रशासकीय जितने भी खर्चे थे उनको उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, ठीक है। तो जो है ये, इसका मतलब ये था कि भारतीय किसानों के लिए करों के बोझ में भारी बढ़ोतरी, बाय लैंड रेवेन्यू का मतलब किसान देंगे और वो किसान, उससे किसानों के ऊपर बोझ आएगा। तो कहते कि वास्तव में 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में, प्रशासन और न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका लक्ष्य मालगुजारी का संग्रह बढ़ाना था। तो 1813 तक जितने भी प्रशासन और न्याय प्रणाली में परिवर्तन हुए उसका लक्ष्य सिर्फ मालगुजारी, मालगुजारी को बढ़ाना था। मालगुजारी समझते हैं ना आप, मालगाड़ी, मालगाड़ी सुना है ना, रेलवे में एक मालगाड़ी होता है जिसमें आप बैठ नहीं सकते, वो सिर्फ माल ढोता है। तो माल में क्या होता है, तो भाई वो होता है आपका पूरा, कोई आलू, कहीं तेल, कहीं जो है लकड़ी का सामान, लोहे का सामान, कपड़े, ये सब ट्रेन से ही तो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं या ट्रक से, लेकिन ट्रेन ज्यादा वो रहता है।
तो उसमें जो है आपको उनसे भारी किराया लेते हैं वो लोग व्यापारियों से। और यहां पर जो है ये माल गुजारी का मतलब यहां पर आता है रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू आता है यहां पर। तो मालगुजारी में, मालगुजारी जो शब्द है ये जैद लैंड रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल होता है, मालगुजारी व्यवस्था, ट्रेन वाला नहीं। तो ये जो है यहां पर माल, ये था कि मालगुजारी का सीधा हमेशा मतलब ये रखना है कि जो भू राजस्व लिया जाता है, भू राजस्व। तो इसमें ये लोग जो भी उस समय प्रशासन में परिवर्तन करते थे उनका एकमात्र इंटरेस्ट यही था कि ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जो है कलेक्ट किया जाए, ठीक है, यही था इनका। तो 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यही रहा। और भारत एक कृषि प्रधान देश रहा था शुरू से ही, और आप एंशियंट टाइम में भी देखोगे कि राजाओं के आमदनी का मुख्य स्रोत राजस्व। तो आपने मौर्य प्रशासन में भी पढ़ा, गुप्त काल, गुप्त प्रशासन में भी पढ़ा आपने, फिर आप जब हम लोग सल्तनत पीरियड आते हैं, हर सबके टाइम पर, मतलब ये बड़े बड़े शासकों का मैं नाम ले रही हूं, कि आप जब मिडिवल पीरियड में आते हो तो ये सारे हमेशा आप उस समय का जो है टैक्सेशन पढ़ते हो, अकबर से लेकर शेरशाह तक सबका आपने टैक्सेशन पढ़ा कि भाई कैसे टैक्स लेते थे ये लोग। उत्तर वैदिक पीरियड में बलि और भाग पढ़ते हो आप, है ना। मौर्य काल तक आते आते कई तरह के कर हो गए थे, सीता, बलि, भाग, हिरण्य, प्रणय, कई तरह के टैक्स हो गए थे। ऐसे गुप्त काल में आप आते हो तो गुप्त काल में भी इसी तरह के कई, ये सभी टैक्सेस मिलते, विष्टि, ये सब टैक्स। तो टैक्स ये जो थे, ये उस समय ऐसा था कि शुरू से ही आपका कष्ट, मतलब सीमा शुल्क भी शुरू से ही था जिसको चुंगी कहा जाता था, लेकिन मुख्य जो सोर्स रहा राजस्व का वो भू राजस्व रहा, लैंड रेवेन्यू रहा शुरू से ही, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, यहां पर कृषि ज्यादा होती थी। तो एक लंबे समय से भारत के शासक खेती है पैदावार का एक भाग जमीन की मालगुजारी के रूप में लेते आए थे। वन, कभी आप पढ़ते हो ये 1/4, प्राचीन काल में ये 1/6 था, फिर ये आप लोगों का मौर्य काल में 1/6, 1/4 दोनों का मिलता है, गुप्त काल में 1/4 देखा गया। तो इस तरह से ये आप लोगों का लेते रहे थे। तो ये मालगुजारी या तो कर्मचारियों की सहायता से सीधे सीधे ली जाती थी, या प्रत्यक्ष रूप से बिचौलियों, जमींदारों, मालगुजारों, इनके माध्यम से। तो भारत में जमींदार जैसे लोग भी हमेशा रहे, तो ये हमेशा नहीं, मतलब जमींदार आपके मध्य काल में ही आते हैं। तो ये लोग काश्तकार से मालगुजारी वसूल करते जो जमींदार थे, और उसका एक अब कमीशन अपने पास रखकर बाकी ये खजाने में भेज दिया करते थे। तो ये बिचौलिए जो है मुख्यतः मालगुजारी वसूल करने वाले ही होते थे, जैसे जमींदार हो गए, जमींदार, जागीरदार, ये सारे ये वसूल करने वाले थे। पर कभी कभी जिस क्षेत्र में मालगुजारी वसूल करती वहां उनकी कुछ जमीन भी होती थी। तो जमींदार, देखो ये जमींदारों के बारे में बता रहे, जमींदार जो है मध्य काल में आए, ये एग्जैक्टली कब आए इसका कोई ऐसा ईयर नहीं है कि इस ईयर में आ गए, पर सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुप्त काल में जब वेतन के बदले में भूमि दी जाने लग गई, तो वेतन के बदले जब भूमि दी जाने लग गई और पद को जब आनुवांशिक कर दिया गया, यानी जैसे कि मैं जैसे उस पे हूं, दंडाधिकारी हूं मैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है उसका हरिशेन का, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, वो संधि विग्रहिक भी था और दंडपाशिक भी था, यानी वो विदेश मंत्री। संधि विग्रहिक का मतलब जो दूसरे राज्यों के साथ संबंधों पर वो करता है, जैसे आज के हमारे विदेश मंत्री होते हैं, और दंडपाशी का मतलब जो न्याय का काम करता है, वो दोनों ही थे वो, और उनके पिता से उनको ये पद आनुवांशिक रूप से मिल गया था। तो अब उनको जो वेतन के बदले जो उनको जमीन मिली, वो जमीन भी उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के पास रह गई। तो धीरे धीरे इस जमीन के वो क्या हो गए, स्वामी हो गए। तो अब वो धीरे धीरे इस जमीन के स्वामी हो गए, तो अब इस पे वो लोग क्या करते थे कि इस क्षेत्र के अब वो उस पे वो अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। अब इस क्षेत्र पर क्या करते थे, वो अपना टैक्स कलेक्ट करते थे खुद, अब वहां राजा का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता था। तो एक तरह से ये हो गया। और एक दूसरे तरीके के जमींदार वो हुए कि मान लो जैसे भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में जंगल था,
है ना। तो ज्यादातर क्षेत्रों में भारत में जंगल था, तो उसको ये लोग क्या करते थे कि भाई कुछ अपने दो चार ऐसे छोटे छोटे लोगों को, मजदूर टाइप के लोगों को पकड़ा और इस पूरे जंगल को उन्होंने साफ करा दिया। और वहां पर कुछ छोटे कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपने जैसे नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, अपने जरूरत के लोगों को भी बसा दिया, और जिन्होंने उनके साथ मदद की थी साफ कराने में उनको भी बसा दिया। ऐसे गांव के गांव बसते चले गए। पर अब इस गांव का स्वामी कौन है? तो स्वामी वो है जिसने ये इनिशिएटिव लिया। तो ऐसे लोग भी जमींदार कहे गए। मध्यकाल में जब ऐसा हुआ कि मध्यकाल में गांव को नहीं छेड़ा गया, ना तो सल्तनत पीरियड में ना मुगल पीरियड में, पर ऐसे जो जमीन के स्वामी थे, जो भूस्वामी, जिनको वे आनुवांशिक रूप से वेतन के बदले मिला और उसके स्वामी हो गए उस क्षेत्र के, जिन्होंने इस तरह से जमीनों के स्वामी बने थे, उन सब को मजबूर किया गया कि आप ही इस क्षेत्र में जैसे लगान वसूलते आए थे लगान वसूलोगे, लेकिन उसका एक भाग खजाने में आप जरूर भेजोगे। तो अंग्रेज जब आते हैं तो उनको ये जमींदार ऐसे ही मिलते हैं। वही बात बिपिन चंद्र आपको समझा रहे हैं कि ये भारत में जब ये शुरू से ही ये व्यवस्था थी कि राजा हमेशा लेते रहे थे और ये बिचौलियों के माध्यम से, यानी जमींदारों के माध्यम से, ठीक है, सामंतों के माध्यम से राजा लेते रहे थे। तो इसी में अब जब इन्होंने देखा कि लैंड रेवेन्यू से ही हमारा खर्चा पूरा होगा, तो ये जो पहली जो भू राजस्व व्यवस्था आई उसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। तो इसको कई नामों से जानते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त को हम जो है अस्थाई व्यवस्था, ठीक है, तो अस्थाई व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसको जो है परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको परमानेंट सेटलमेंट कह देते हैं। और एक ये भी शब्द याद रखिएगा, इस्तमरारी व्यवस्था, ठीक है। तो इसको दो तीन नामों से हम लोग जानते हैं। तो ये इस्तमरारी व्यवस्था कैसे आई, कॉर्नवालिस लेकर आया, 1793 में लेकर आया, भारत के कुल 19% लैंड पर इसको लागू किया गया, बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बिपिन चंद्र ये भी बताते हैं कि कैसे आया ये। तो आप जानते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी की वसूली के लिए ये नीलामी व्यवस्था शुरू की कि मान लो कि ये पूरा ये क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र का पे सबसे ज्यादा जिसने बोली लगाई कि हम आपको इस क्षेत्र से वसूल कर 100 रुपए देंगे, किसी और ने कहा कि हम आपको 150 देंगे, और किसी तीसरे ने कहा कि हम आपको 200 देंगे। तो अब सबसे ऊंची बोली इसमें कौन सी हो गई, 200। तो 200 वाले को ये क्षेत्र दे दिया गया। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे बड़ी बोली लगाने वालों को ऐसे दिया, पर ये प्रयोग सफल नहीं हुआ, ठीक है, ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जमींदार तथा दूसरे जो सटोरिए थे वो एक दूसरे से बढ़कर बोली लगाते, इसलिए मालगुजारी की रकम तो बढ़ गई। मतलब आपको ये तो हो गया कि हम इतना आपको देंगे, बोली लगा के वो ले तो लेते थे, पर एक्चुअल में उतनी रकम वो वसूल के दे नहीं पाते थे अंग्रेजों को। तो वसूली की रकम जो है हमेशा घटती बढ़ती रही, ठीक है। तो इसे कंपनी का आय एक ऐसे समय में अस्थिरता का शिकार हुई जबकि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी और उसको पैसा नहीं मिल रहा था। इसके अलावा खेती में सुधार के लिए रैयत यानी किसान, तो खेती में सुधार के लिए रैयत कोई प्रबंध करती ना, तो रैयत कोई प्रबंध करती और ना ही कोई जमींदार करते थे। रैयत निराश कि क्या करेगी सुधार के, सारा फसल तो अंग्रेज लेकर जाएंगे, और जमींदारों को कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अगले वर्ष जो बोली लगेगी और ये किसी और का हो जाएगा, तो उस जमीन से उनको प्रेम नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। आप देखते हैं कि कंपनी इस समय जो है आपका एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है,
एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है, मराठों से उलझे हुए इनको खर्च, ब्रिटेन में भी जो है नेपोलियन, ब्रिटेन कह रही, यूरोप में नेपोलियन आ चुका है, ब्रिटेन वहां उलझा हुआ है, इनको इस समय पैसे की जरूरत थी। तो ये यही समय था जब अस्थायी रूप से मालगुजारी की एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार सामने आया। तो लंबे विचार विमर्श के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया था भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1784 में भारत आ गए थे, 1786 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं ये हेस्टिकॉन, ठीक है। तो हेस्टिंग्स के बाद और फिर जो है ये कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल और बिहार में इस तमदारी बंदोबस्त को शुरू करते हैं। बंगाल बिहार में, बंगाल प्रांत में उड़ीसा भी था, ठीक है। तो इस तमदारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त, और इसकी दो खास विशेषताएं रही। पहली ये कि जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। तो इसकी दो खास विशेषताएं, पहली कौन सी कि जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। उन्हें अब रैयतों से मालगुजारी, ठीक है, रैयतों से उन्हें अब मालगुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट का ही काम नहीं करना था। अब उनको अपनी जमींदारी के इलाके की सारी जमीनों के वो क्या बन गए, मालिक, ठीक है। और उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया, यानी उसको वंशानुगत कर दिया गया एकदम पेपर पर। पहले तो कुछ पेपर पर नहीं था, अब पेपर पर कर दिया गया, और वो अब अपनी जमीन को किसी को बेच भी सकते थे। तो ये बेचने का बेसिकली, देखो ये जमींदार शुरू से वंशानुगत थे, ये अंग्रेजों ने नहीं बनाया। पर भारत में सब कुछ पेपर पर नहीं हुआ करता था, एक ऐसे ही व्यवहारिक बंदोबस्त हो जाता था। तो ये जमींदार थे वंशानुगत शुरू से ही, लेकिन जमीन बेचने का अधिकार गांव के लोगों को नहीं होता था कि आप जमीन किसी को नहीं बेच सकते, उसके लिए गांव का पंचायत बुलाना पड़ता था, ठीक है। तो ये बस ये था कि इन्होंने जमीन को हस्तांतरणीय बना दिया, पेपर दे दिया, बेचने का अधिकार दे दिया। काश्तकारों का दर्जा गिर गया, जो काश्तकार थे, जो किसान जो उनकी जमीनों पर खेती करते थे, उनका दर्जा गिर गया। अब वे बटाईदार होकर रह गए और उन्हें जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे अधिकारों और पारंपरिक फायदों से वंचित कर दिया गया। यानी जमींदारों की भूमि पर जो खेती करते थे, जो काश्तकार यानी जमींदारों की भूमि पर जो खेती करते थे, उनको जो है उनको अब उनके उनका अब जमीन पर कोई अधिकार नहीं रह गया। अब उसका एक्चुअल स्वामी जमींदार को बना दिया गया, जबकि ऐसा होता था कि उस क्षेत्र में लंबे समय से आप उस जमीन को जोत रहे हो तो आप ही एक तरह से स्वामी हो, और वो भी वंशानुगत चलता रहता था। तो और चारागाह और जंगल की जो जमीनें थी, चारागाह हर गांव में एक क्षेत्र छोड़ दिया जाता था, एक मैदान छोड़ दिया जाता था जहां पर पूरे गांव के पशु वहां पर चारा करते थे। तो वो जो चारागाह की जमीनें थी, जो जंगल की जमीनें थी, जो सिंचाई के लिए जो नहरें थी, जो मछली पालन के तालाब थे, जो झोपड़ी डालने के जमीनों के झोपड़ी डालने के लिए जो ऐसी जमीन रहती थी, कोई भी झोपड़ी डाल के रहने लग गए, इन सबके अधिकार छीन लिए गए, सबके अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। और इन सब पर लगान निश्चित कर दिया गया। लगान वृद्धि के लिए जो है ये जो है इन सबको सरकार ने जो है एक सरकारी संपत्ति की तरह कर दिया। इसीलिए तो उस समय ज्यादा विद्रोह होते हैं। जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उनसे लकड़ी काटने का अधिकार छीन लिया गया। मछली जो तालाबों से पकड़ते थे, बाजारों में बेचते थे, उनसे वो अधिकार छीन लिया गया। सबके ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया गया कि आप कर सकते हो लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ये इसके पहले ये सब कुछ फ्री रहा करता था। तो बंगाल और बिहार के बटाईदारों को अब पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। और ऐसा करने का कारण क्या था कि जमींदार कंपनी की मालगुजारी संबंधी बेहिसाब मांगे समय पर पूरी कर सके, इसके लिए ये जो है जमींदारों को दिया गया अधिकार। तो जमींदारों को ये आपको आप ये पढ़ती हो ना कि अस्थाई बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को दिया गया, जमींदारों को ओनरशिप दी गई। अब बिपिन चंद्र कहते हैं कि इसके पीछे कई कारण थे। तो जमींदारों को जो ओनरशिप दी गई, शक्तिशाली बनाया गया, तो पहला कारण तो ये
कि मालगुजारी संबंधी बेहिसाब मांगे कंपनी की वो समय पर पूरी कर सके। दूसरा दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण इसमें ये था कि आप आगे बिपिन चंद्रा ने इसका वर्णन किया है कि वो जमीन एक ऐसे वर्ग को अपना दोस्त बनाना चाहते थे, एक ऐसे वर्ग को अपना दोस्त बनाना चाहते थे कि जब रैयत कभी विद्रोह करें तो उनका ये साथ दे, क्योंकि इनके हित और ब्रिटिश हित एक समान हो जाएं। ठीक है, ये भी एक कारण था। लेकिन यहां पर बिपिन चंद्र दूसरी बात कह रहे हैं कि एक तो वो, दूसरा कह रहे हैं कि जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता उनका 10/11 भाग वो राज्य को दे देना पड़ता था और केवल 1/11 वो अपने पास रख सकते थे, यानी 1% वो अपने पास रखते थे, ठीक है, और 10 जो है वो दे देते थे उसको। तो ये रकम तय की गई थी और मालगुजारी की रकम जो उन्हें देनी थी वो हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई, वो बदलती नहीं थी हर साल, वो हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, क्योंकि जो रकम है उसको निश्चित कर दी गई। ठीक है, रकम को निश्चित कर दिया गया। और अब मान लो कि जैसे उनको जो है 1/11 उनको अपने पास रखना है, 10/11 उनको सरकार को देना है, पर अगर उन्होंने ज्यादा वसूली कर ली, अगर उन्होंने मान लो सुधार कर दिया, वसूली ज्यादा कर ली, तो उस केस में भी उनको 10/11 ही सरकार को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो बचा हुआ पार्ट उनका था, ठीक है, बचा हुआ पार्ट वो अपने पास रख सकता था। इसमें राज्य ने कभी कोई हिस्सा नहीं मांगा, हिस्सा राज्य इसमें हिस्सा नहीं मांगता था। लेकिन इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि मान लीजिए कि अगर फसल नष्ट हो गई, तो अगर फसल नष्ट भी हो गई तो जमींदार को मालगुजारी की रकम देनी ही है, चाहे तुम जैसे दो। तो इसमें आप लोग पढ़ते हो सूर्यास्त का नियम, एक सूर्यास्त का नियम इसमें लाया गया था जो बाकी किताबें लिखती हैं, बिपिन चंद्र इसकी बात नहीं करते। तो इसमें यह कहा गया कि एक तारीख निश्चित रहता था कि महीने के एक तारीख को सूर्यास्त से पहले आपको देना है, और अगर आपने नहीं दिया तो इनकी जमीनें जो है बेच दी जाती थी, यानी आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो आरंभ में जो है मालगुजारी की जो रकम थी स्तंभधारी बंदोबस्त में, वो जमींदारों से परामर्श किए बिना मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया। इसके पीछे अधिकारियों का उद्देश्य अधिकतम धन जमा करना था। ठीक है, तो मालगुजारी की रकम बहुत ज्यादा तय की गई। तो 1765-66 और 1793 के बीच मालगुजारी संबंधी मांग लगभग दोगुनी हो चुकी थी, मतलब द्वैध शासन से लेकर, द्वैध शासन जो कि 1765-72 तक चला, तो और उसके बाद वो खत्म कर दिया गया था, वारन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। 1793 के पहले तक अस्थाई बंदोबस्त लागू नहीं था, वारन हेस्टिंग्स नीलामी करता था। इन सब के बीच मालगुजारी संबंधी मांग लगभग दोगुनी हो गई थी अंग्रेजों की, और इसके लिए जो है स्तंभधारी बंदोबस्त की योजना तैयार किया गया, कॉर्नवालिस ने तैयार किया। तो कॉर्नवालिस के बाद जो गवर्नर जनरल बने जॉन शोर, ठीक है, आप लोगों को याद करना है सारे गवर्नर जनरल कैसे आए थे, तो आप राइम बना सकते हो, मैंने बनाया था, हेस्टी कॉर्न ने शोर मचाया वेल्ज बजाकर, तो हेस्टी हेस्टिंग्स, फिर कॉर्न का कॉर्नवालिस, शोर जॉन शोर, और बेल बजाया यानी बेलेजली, ठीक है, तो इसके बाद बेलेजली आएगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो जॉन शोर बने, कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर बने, और बंगाल के कुल उत्पादन को 100 मान लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल के, उन्होंने स्तंभधारी बंदोबस्त की समीक्षा की, तो उन्होंने कहा कि अगर बंगाल के कुल उत्पादन को 100 मान लिया जाए तो इसमें 45% पर ही सरकार का दावा होता था, जमींदार और उनके नीचे की बिचौलियों को 15 मिलता था, और जो वास्तविक काश्तकार है जो खेती करता है उसके पास केवल 40% रह जाता था। सोचो कैसा लगता होगा जब आप दिन रात मेहनत करके खेती करते हो और आपके 100% का 60 माइनस हो गया, 60% कोई और लग गया, आपको सिर्फ 40 बचा, 40
और इसी में आपको अपने घर का साल भर का भोजन, शादी, ब्याह सब कुछ आपको करना है। तो इन्होंने जॉन शोर ने, मैंने ही काश्तकारों का दर्द समझा, जॉन शोर ने हिसाब इसलिए लगाया कि वो तो कह रहे हैं कि कंपनी को 45% ही मिल रहा है, कंपनी को 45% ही मिल रहा है, तो यानी ये कम है। तो मालगुजारी की अत्यधिक और असंभव मांग का जो है परिणाम ये हुआ कि मतलब 45% कम था। अब उसकी वजह से 1794 से 1807 के बीच जमींदारों की लगभग आधी जमीनें बेच दी गईं, क्योंकि जो जमींदार फेल हो जाता था चुकाने में, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, बाद में अधिकारी, गैर अधिकारी सभी ने आमतौर पर माना कि 1793 के पहले बंगाल और बिहार के जमींदारों के पास जमीन के अधिकांश भाग पर मालिकाना हक नहीं था। मतलब इनका यह कहना है कि इस्तमदारी बंदोबस्त फेल हो गया था, वो मालगुजारी की मांग को भी पूरी नहीं कर पाया और किसानों की स्थिति भी खराब हुई। अब इसके बाद बिपिन चंद्र कहते हैं कि 1700 सभी अंग्रेज, जितने अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस पर मुआयना किया, उन्होंने कहा कि बंगाल और बिहार के जमींदारों के पास मलिकाना हक नहीं था, उनके पास कोई ऐसी कागज वागज नहीं थी, वो बस चला आ रहा था। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर अंग्रेजों ने उन्हें मालिक के रूप में क्यों स्वीकार किया, वही जो मैं आप लोग को बता रही थी। तो ये भी आप लोग का एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस्तमदारी बंदोबस्त में, या आप इस्तमदारी बंदोबस्त नहीं भी इस्तेमाल होगा तो यह होगा कि भारत में अंग्रेजों ने जमींदारों को मालिकाना हक दिया जमीन पर, या किसानों को मालिकाना हक दिया जमीन पर, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे उनके। तो जमींदारों को क्यों दिया, तो कहते हैं कि एक गलत फहमी का एक नतीजा था। उस समय ऐसा था कि इंग्लैंड में जो है खेती का जो केंद्रीय चरित्र भूस्वामी होता था, और अंग्रेज अधिकारियों ने जमींदारों को इन्हीं भूस्वामियों का भारतीय प्रतिरूप मान लिया था। तो इंग्लैंड में जो भूस्वामी होते थे उनके पास खेतों का स्वामित्व होता था। तो अंग्रेजों ने भारत में भी जमींदारों को यही सोचा, क्योंकि वो बड़े बड़े भूमि के स्वामी होते थे, तो उन्होंने उनको जो है ये ओनरशिप दे दी। लेकिन बिपिन चंद्र कहते हैं कि ये ध्यान रखिए कि अंग्रेज अधिकारी एक महत्वपूर्ण सिलसिले में इन दोनों स्थितियों में स्पष्ट अंतर करना नहीं भूलते थे, अंतर करते थे। क्या? कि ब्रिटेन का भूस्वामी बटाईदार ही नहीं बल्कि राज्य की निगाहों में भी जमीन का मालिक होता था, पर बंगाल में जमींदार बटाईदार के लिए तो भूस्वामी था पर स्वयं अपने राज्य के अधीन होता था, राज्य कभी भी उसकी जमींदारी को छीन सकता था, तभी तो आपने देखा कि जमींदार आप नहीं पूरा कर पाते थे तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, यानी वास्तविक मालिक कौन है, राज्य है। ठीक है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग बटाईदार होकर रह गए थे जमींदार। तो ब्रिटिश भूस्वामी के विपरीत अपनी आय का एक बहुत छोटा भाग ही भूमिकर के रूप में वो देता था। बंगाल का जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीन से प्राप्त आय का 10/11 भाग, मतलब ब्रिटिश भूस्वामी बहुत थोड़ा सा पार्ट टैक्स के रूप में देता था, पर बंगाल के जमींदार जो है 10/11 भाग पे कर देते थे। एक तो जो है इन्होंने उनको इसलिए बनाया था कि इन्होंने जमींदारों को ब्रिटेन के भूस्वामियों की तरह मान लिया, और जैसे ब्रिटेन में व्यवस्था थी उन्होंने यहां पर लागू कर दी, लेकिन अंतर भी किया कि राज्य के अधीन रखा। दूसरा कारण कि अगर समय पर मालगुजारी ना जमा कर सके तो उनको जो है जमीन से बाहर फेंक दिया जाता था और उनकी जागीर बेच दी जाती थी। ये उसी में था, ये अब आया दूसरा कारण। दूसरा इतिहासकारों का विचार यह है कि जमींदारों की जमीनों के मालिक मानने का निर्णय लगभग पूरी तरह राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय प्रशासकीय सभी कारणों से प्रेरित था। राजनीतिक कारण से भी प्रेरित था, आर्थिक कारण से भी, वित्तीय और प्रशासकीय कारणों से भी। ठीक है, तो तीन मार्गदर्शक कारण क्या क्या थे, पहला कारण चतुराई भरी राजविद्या का परिणाम था, यानी वो
जमींदारों को ओनरशिप इन्होंने इसलिए दिया था कि एक राजनीतिक सहयोगी, वो अपने लिए एक राजनीतिक सहयोगी बनाना चाहते थे। उन जमींदारों को ये पता था कि हमारी जमींदारी तब तक है जब तक हम ब्रिटिश दया पर ब्रिटिश बने रहेंगे तो हमारा राज भी बना रहेगा। तो आपने देखा ना कि अंत तक जो भारतीय रियासतें नहीं छोटी बड़ी और जो बड़े छोटे जमींदार रहे उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया था। देखा ना आप लोगों ने 1857 के विद्रोह में जिनकी छीनी थी उन्होंने तो विद्रोह किया पर जिनकी नहीं छीनी गई थी उन्होंने सहयोग किया और बाद तक वो राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी बने रहे। राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी क्यों बने रहे, क्योंकि राष्ट्रीय अगर भारत में राज आ जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो हमसे हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी। तो ये एक तो इन लोगों ने एक ये कारण देखा था। ब्रिटिश अधिकारी ये बात समझ रहे थे कि वे भारत में विदेशी हैं इसलिए उनका शासन तब तक अस्थायित्व का मारा रहेगा जब तक वे अपने और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थों का काम करने वाले जो स्थानीय समर्थक हैं उनका सहारा नहीं लेते। ठीक है, और इसका एक तत्कालिक महत्व भी था क्योंकि 18वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में बंगाल में बड़ी संख्या में जन विद्रोह हो रहे थे। आप पढ़ते हो ना 1857 के पीछे के पहले जो छोटे बड़े कितने सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, कोल, रंपा, खासी, बहुत विद्रोह, बहुत स्थानीय विद्रोह हुए थे। और बंगाल में सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, ये सब बंगाल वाले प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले प्रांत में ऐसे बहुत हुए। और ये आगे चलकर एकदम सही साबित हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वाधीनता संग्राम में इन लोगों, ये लोग हमेशा अपोजिट रहे, अगेंस्ट रहे। दूसरा कारण, जमींदारों को मालिक मानने के पीछे, जमींदारों को स्वामी बनाने के पीछे। दूसरा कारण, पहला राजनीतिक, दूसरा महत्वपूर्ण कारण वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 1793 से पहले अपनी आय के प्रमुख स्रोत अर्थात जमीन की मालगुजारी में होने वाले उतार चढ़ाव से कंपनी लगातार पीड़ित रही। और प्रसार के लिए जो युद्ध कर रही थी उसमें सेना का, बंगाल, मद्रास, बंबई में नागरिक प्रशासन का, निर्यात के लिए तैयार मालों की खरीद के लिए बंगाल के राजस्व से ही सारा खर्चा उठाया जाता था। तो और इसलिए कंपनी को पैसा चाहिए था और वो भू राजस्व वहां से वसूल नहीं पाती थी, उतना लगातार घाटे का शिकार रही। पर इस सम्राटी बंदोबस्त से एक अस्थाई आय की व्यवस्था हो गई। ठीक है, और जो ये नए जमींदार थे इनकी संपत्ति ही इसकी जमानत थी। इसके अलावा ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण कि इस्तमरारी बंदोबस्त ने कंपनी की आय को बहुत अधिक बढ़ा दिया क्योंकि अब मालगुजारी की ऐसी दरें निर्धारित की गई जैसी दरें पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो थोड़े से जमींदारों के माध्यम से मालगुजारी की वसूली लाखों काश्तकारों से सीधे रूप से हो जाया करता था। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के पीछे उद्देश्य, उसमें जमींदारों को ओनर मानने के पीछे उद्देश्य। अब हम लोग देखेंगे कि ये लागू हुआ और ये कितना सफल रहा, ये लागू हुआ कैसे लागू हुआ और कितना ये सफल रहा। ठीक है, तो मध्य भारत के कुछ भागों और अवध में अंग्रेजों ने अस्थाई जमींदारी की व्यवस्था लागू की थी और इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था। ये मध्य भारत और उसमें जो है, लेकिन मालगुजारी देने वजह समय समय पर पुनर्निर्धारण भी किया जाता था। ठीक है, तो विदेशी सरकार की जमीनें देने का सिलसिला ये बना रहा, पूरे भारत में जमींदार वर्ग बनाने का काम भी चलता रहा इसमें जो। लेकिन इसकी जो है व्यवस्था, इन्होंने उस पर ज्यादा बात नहीं की है। अब रैयतवारी बंदोबस्त में बात करेंगे कि रैयतवारी बंदोबस्त क्यों लाना पड़ा, रैयतवारी बंदोबस्त क्यों लाना पड़ा। तो यहीं पर अब बिपिन चंद्र बताते हैं कि क्योंकि जो है इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त फेल रहा इसलिए रैयतवारी लाना पड़ा। तो कैसे फेल रहा, ठीक है, तो यहां पर ये कहते हैं कि दक्षिण और रैयतवारी कहां लागू किया गया, तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भारत में। ये जो है ये मतलब बहुत सारी समस्याएं जमीन के बंदोबस्त की उठ खड़ी हुई।
और अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ मालगुजारी के बंदोबस्त किए जा सके, इसलिए वहां पर जमींदारी प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट हो जाएगी। यानी इन क्षेत्रों में बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, जमींदार खोजने पड़ रहे थे इनको, तो पोलीगरों को माना इन्होंने, शुरू में पोलीगरों को मान लिया, लेकिन वहां पर बंगाल बिहार जैसे जमींदार नहीं थे। ठीक है, तो रीड और मुंड्रो ने मद्रास के अनेक अधिकारियों से यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए, यानी उनसे बंदोबस्त किया जाए जो सीधा खेती करते हैं, यानी जो किसान है। यहां पर जो तुम जमींदार ढूंढ रहे हो कि किसको जमींदार माना जाए, कुछ दिन उन्होंने किया भी लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुआ, तो इन रीड मुंड्रो ने, यानी आपका परमानेंट हो गया आपका कॉर्नवालिस स्तंभदारी और ये रैयतवारी है रीड और मुंड्रो, तो रीड और मुंड्रो ने कहा कि सीधे किसानों के साथ किया जाए। तो इस स्तंभदारी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से जो है घाटा उठा रही थी। देखो यहां कमी बता रहे हैं वो स्तंभदारी व्यवस्था का, कि वित्तीय दृष्टि से कंपनी घाटा उठा रही थी। क्यों? क्योंकि मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और जमीन से होने वाली आमदनी के बढ़ने पर उसमें से हिस्सा उनको नहीं मिलता था। इसके अलावा काश्तकार अब जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए थे, काश्तकारों पर अब जमींदार जो है मनमाना टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे, तो इस्तमरारी बंदोबस्त फेल हो रही थी। तो उन्होंने जो है जिस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा उसे ही रैयतवारी बंदोबस्त कहा जाता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्तमरारी व्यवस्था फेल हो रही है, दूसरा यहां पर इस प्रदेश में जो पश्चिमी और दक्षिण के जो प्रदेश है वहां कोई प्रॉपर जमींदार नहीं है, तो उन्होंने कहा मद्रास के अधिकारियों से कि सीधा किसानों से वसूल किया जाए, इसी को रैयतवारी बंदोबस्त कहा गया। तो इस प्रथा में क्या था कि सीधा काश्तकारों से बात की जाएगी, सीधा खेतीहरों से बात की जाएगी कि आप जो अपने टुकड़े को जोता बोता था कि तुमको इतना परसेंट सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको अब वहां पर क्या किया गया कि काश्तकार को जमीन का मालिक मान लिया गया। तो पहले ऐसा होता था कि जमीन पूरे गांव की होती थी, जो जमीन होती थी वो पूरे गांव की होती थी, और इस जमीन की इस टुकड़े को मैं जोत रही हूं, तो मैं, मेरे बाद मेरा पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, मतलब ऐसे ही सब जोत रहे हैं, और ये अनुवांशिक रूप से इसका हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन ओनरशिप नहीं था, आप बेच नहीं सकते थे, तो बेचने के पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बेचने के पहले परमिशन। तो ये काम अब नहीं, इन लोगों ने अब मालिक बना दिया काश्तकारों को, मालिक कि अब आप इस जमीन के मालिक हो। ठीक है, तो रैयतवारी प्रथा के समर्थकों का दावा था कि पहले से ही मौजूद व्यवस्था को जारी रखती थी, भारत में ऐसी व्यवस्था पहले भी रही थी। मुंड्रो का कहना था कि ये वो प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है, 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। तो आपको कई बार पूछा जाता है फैक्ट कि कहां पर किसने, तो आपने देखा कि स्तंभदारी बंगाल और बिहार में, और वहां पर कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया, और यहां पर बिपिन चंद्र लैंड नहीं लिखते, वो 19% लैंड था, और ये जो था रैयतवारी ये आपका दक्षिण में लागू हुआ है। कहां पर? तो ये आप लोगों का जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में रैयतवारी रीड और मुंड्रो ने, और ये 51% लैंड पर किया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, भारत के कुल 51% भूमि पर 51% लैंड पर रैयतवारी लागू किया गया, और ये अस्थाई नहीं किया गया, प्रत्येक 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था, तो ये अस्थाई नहीं था, प्रत्येक 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण होगा, और तब आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी, घटाई नहीं जाती थी। ठीक है, तो रैयत बंदोबस्त ने कृषक स्वामित्व की कृषि प्रथा को जन्म नहीं दिया, पर किसानों ने इसमें भी जल्दी देख लिया कि जमींदारों की जगह एक दानवाकार जमींदार आ गया है। किसानों को पहले तो यह लगा कि हमको अब जमींदारों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उनको जल्दी यह समझ में आ गया कि जमींदार तो फिर भी मेरी बेटी के ब्याह में आ जाता था,
या मेरे घर कोई दुर्घटना होती थी तो कई बार वो लगान छोड़ देता था, लेकिन ये जो दानवा का जमींदार है उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, यानी अंग्रेजों ने कोई मतलब नहीं है, तो वो सरकार के बटाईदार मात्र है। जो नियम पूर्वक मालगुजारी न भरे तो उनकी जमीनें बेच दी जाएंगी। तो यहां पर किसानों को, यहां पर किसानों का स्वामी मानने के पीछे यही रीजन था कि इनको अगर किसानों को भू स्वामित्व दे दिया जाएगा तो जरूरत पड़ने पर ये अपनी जमीन को बेच के मालगुजारी भरेंगे। बहुत तेज थे ये अंग्रेज, ठीक है। तो रैयतों को मालिकाना हक देने के पीछे जो कारण थे, जो अन्य कारण थे, उसमें यही था कि मालगुजारी बहुत अधिक होती थी, मालगुजारी बहुत अधिक होती थी, अच्छे से अच्छे मौसम में भी वो किसी भी तरह गुजर बसर करते थे, ठीक है। तो इसमें जो है, आप सरकार जब जी चाहे मालगुजारी बढ़ाने का अधिकार अपने हाथ में रखती थी। तो अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ से थोड़ी बहुत पूरी तरह नष्ट हो जाए तो भी मालगुजारी उनको देनी पड़ती थी। तो इसलिए उन्होंने उसको, रैयतों को मालिकाना हक, तीन कारणों ने उनका समाप्त कर दिया कि उनको मालिकाना हक तो तुमने दिया लेकिन इससे उनको कुछ खास फायदा हुआ नहीं। अब बात करते हैं महलवारी प्रथा की। महलवारी, तो आपने पढ़ा स्तंभदारी, रैयतवारी और महलवारी। तो ये जो महलवारी है, गंगा के दोआब के में और पश्चिमोत्तर प्रांत में, यानी उत्तर प्रदेश के कुछ प्रांत में और पश्चिमोत्तर में, मध्य भारत में, यानी जो अपना मध्य प्रदेश है अभी, इन भागों में और ठीक है पंजाब के कुछ भागों में इसको जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया और इसी को महलवारी कहा गया। तो कहां कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रांत, गंगा के द्वाब, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ये जमींदारी प्रथा जो थी, यानी स्तंभदारी, उसी को थोड़ा सा संशोधित करके इसको लागू किया गया। इस व्यवस्था में क्या था? तो इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन परिवार के मुखियों के साथ किया गया, यानी सामूहिक रूप से गांव को महल मान लिया गया, सामूहिक पूरे गांव को एक महल मान लिया गया और गांव का जो मुखिया था उन मुखियाओं को दे दिया गया कि आप पूरे गांव से वसूल करके, पूरे गांव से वसूल कर आप हमको ये टैक्स इस दिन निश्चित दिन को दोगे। तो पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से, ग्राम प्रथा के नाम से जानी जाने वाली एक संशोधित महलवारी प्रथा लागू की गई। तो ये याद रखिएगा, इसके बाद केवल बिपिन चंद्र कहते हैं, महलवारी का ही पार्ट था लेकिन इसका नाम था ग्राम प्रथा, ठीक है। ये पंजाब में लागू की गई और इसमें समय समय पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और ये 30% ब्रिटिश भारत के कुल 30% लैंड पर ये लागू था, ठीक है, 30 या 31 है ये। तो जमींदारी और रैयतवारी ये दोनों प्रथाएं देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से भिन्न थी, है ना। जमींदारी और रैयतवारी ये दोनों परंपरागत प्रथाओं से बिल्कुल अलग थी। वहां पर किसानों से जो है फोर्स भारत में नहीं किया जाता था, किसान स्वेच्छा से मतलब लिया जाता था पर अगर बहुत दबाव नहीं बनाया जाता था। और निजी संपत्ति की अवधारणा पहले नहीं थी, नए प्रकार की निजी संपत्ति की अवधारणा पैदा की गई और इस प्रकार पैदा की गई कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। पूरे देश में अब भूमि बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया भूमि को, जबकि पहले पूरा जो भूमि होता था वो गांव का, भूमि पहले पूरे गांव की हुआ करती थी, ठीक है। पूरे गांव की भूमि पहले किसकी होती थी? तो पूरे गांव की होती थी और अब जो है भूमि को क्या बना दिया गया? हस्तांतरणीय बना दिया गया भूमि को। अब भूमि आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, पहले की तरह से नहीं था कि जो है आप मतलब कभी भी ये कर सकते हो, ठीक है। आप भूमि बेच ही नहीं सकते, इस तरह कभी कोई भूमिहीन नहीं होता था। तो अंग्रेजों ने पूरा बर्बाद कर दिया वो सिस्टम। और ऐसा सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने भूमि को निजी संपत्ति क्यों बनाया, जो पहले पूरे गांव या महल का हुआ करता था, सामूहिक
स्वामित्व में हुआ करता था, उसको निजी स्वामित्व में क्यों बनाया? तो ऐसा अंग्रेजों ने अपने राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया था। क्यों? क्योंकि जमीन को अगर बिकने वाली वस्तु नहीं बनाते तो किसान सरकार को मालगुजारी कैसे भरते? क्योंकि किसानों को अपनी जमीन से केवल जैसे उपज से खेती करके भरना उनके लिए कठिन होता था, तो वो मजबूरी में कि अपनी जमीनों को बेचकर मालगुजारी भरते थे, क्योंकि नहीं भरेंगे तो भी उनकी जमीन को बेच दिया जाएगा। तो कई बार वो क्या करते थे कि अपनी जमीन को गिरवी रख देते थे और फिर भरते थे टैक्स। और गिरवी जिनके पास जिन महाजनों के पास रखते थे वो अंगूठा लगवा के लेता था और सूद इतना ज्यादा होता था कि उनकी जमीन फिर उनको कभी वापस नहीं मिलती थी। और किसानों के पास जमीन ही एकमात्र बचत के रूप में चीज होती थी परमानेंट, और उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने ये स्वप्न दिया था। ठीक है, तो निजी संपत्ति बनाने का एक कारण ये विश्वास भी था इसके अलावा कि स्वामित्व का अधिकार मिलने पर भूस्वामी रैयत जो है, जो भूस्वामी है और जो किसान है, जो रैयत है, वो भूमि में सुधार का प्रयास करेंगे, मन लगाकर कहेंगे कि ये हमारी है, उसमें खूब खेती करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। रैयत भी निराश रहता था कि क्या फायदा, सब अंग्रेज उठा ले जाएंगे। और जो भूस्वामी जमींदार होते थे उनको लगता था कि तो नीलाम ही होना है, तो किसी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं हुआ इसमें। जमीन को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकने वाला एक माल बनाकर अंग्रेजों ने देश में प्रचलित भूमि प्रथाओं को बुनियादी रूप से तोड़कर बदल दिया, क्योंकि देश में जो बुनियादी प्रथा थी वो गांधी ने भी कहा कि भारत में ये प्रथा पहले अच्छी थी, सामूहिक स्वामित्व में भूमि, और भूमि क्योंकि बेची नहीं जाती थी तो कभी भी कोई भूमिहीन नहीं होता था, सबको जोतने और खाने का जुगाड़ रहता था। ठीक है, तो ग्रामों की स्थायित्व, इसका परिणाम क्या हुआ? तो जो ग्रामों का अस्थायित्व है, जो उनकी निरंतरता का जो ढांचा थी गांवों का, वो चरमरा गया। इन्होंने पूरी उस व्यवस्था को इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, और ग्रामीण समाज का पूरा ढांचा टूटकर बिखरने लगा। उनके भू बंदोबस्त का, अंग्रेजों के भू बंदोबस्त का ये रहा। माइक सौरभ, आवाज तो ठीक आ रही है, मेरी आवाज ही खराब हो गई है, आवाज अभी मेरी ठीक नहीं है। ठीक है, माइक का प्लग बिल्कुल सही है। माइक प्रॉब्लम आ रहा है, कैसा प्रॉब्लम आ रहा है माइक में? अभी टेलीग्राम आईडी दूंगी रवि मैं आपको, अभी टेलीग्राम आईडी देने जा रही हूं। माइक ठीक नहीं है, बाकी जो पहले से मेरी क्लास ले रहे हैं वो लोग बताएं, पहले की तरह ही आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज जैसे आ रही थी वैसी आ रही है, जैसे पहले आ रही थी वैसी आ रही है? ओके, क्योंकि मैं अभी जो है ये जो नेचुरल माइक है ना ये फट चुका है, तो नेचुरल माइक जो फट चुका है तो आपको ऐसी ही आवाज आएगी, समझ गए? तो इस तरह से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भू बंदोबस्त का ये परिणाम रहा कि भारत की जो अपनी व्यवस्था थी, जो अपनी ग्रामीण जो अस्थाई जो व्यवस्था थी भारत की, वो चरमरा गया, टूट गया। ठीक है, तो चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ हमारा, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग जो है करेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट सेशन में,
और कल मैं आप लोगों का जो है लेने वाली हूँ, कल मैं लूंगी आप लोगों का सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी क्लास 11th का मैंने शुरू किया है वो मैं लूंगी, ठीक है। वो ऑप्शनल वालों को भी हेल्प करेगा और आपका जीएस पेपर 1 के लिए इंडियन सोसाइटी के लिए भी हेल्प करेगा। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कितने तरह के ग्रुप होते हैं, समुदाय क्या है, समूह क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अनअकैडमी ने 2 महीने का कोर्स लॉन्च किया है, 2 महीने का, और यहाँ पर 13,500 में ये आप लोगों का हो जाएगा अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं। 28 अगस्त से फी बढ़ने वाला है, फी बढ़ने वाला है 28 अगस्त से। उसके पहले आप लेते हैं तो 49,680 रुपए में एक साल का, 71,798 में 2 साल का हो है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज पूरा मिल रहा है ऑप्शनल और जीएस का। 28 अगस्त को लेंगे तो आप बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आजकल जो है 5-in-1 ऑफर चल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन अस्पायर मिल रहा है, 2 साल का लेते हो नहीं निकला तो आपको 1 साल अनअकैडमी फ्री में पढ़ाएगी, 20 किताबों का ऑफर चल रहा है, और लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी पर आने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोगों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस मिलता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये जीएस का फी है जो आप लोग देख पा रहे हैं, और ये आप लोगों का जो है ये आइकॉनिक में ये प्लस जीएस का फी है, वो आइकॉनिक जीएस का फी है। और इसी तरह आप सिर्फ ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सिर्फ वैकल्पिक विषय का, और वो मैं ले रही हूं आप लोगों का हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र और इतिहास में पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, जो लोग मांग रहे थे मेरा टेलीग्राम लिंक आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए, तो http://unacademy_muhim, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप @unacademy_muhim डालेंगे तो भी आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, 10% डिस्काउंट आपको मेरे कोड से अनअकैडमी पर आने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अनअकैडमी पर अगर आप आते हैं तो 10% डिस्काउंट, और 1 सितंबर से ये सभी बैचेस शुरू हो रही है, सभी न्यू बैचेस, ये जितनी भी ये सभी न्यू बैचेस जो है आपकी 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं, और ये अनअकैडमी जो है यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज चलाता है, फ्री में मिलता है, ठीक है। तो अभी जो है अभी 3 PM पर, ठीक है, 3 PM पर मेरी क्लास है अनअकैडमी पर, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। और आज मैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के करेंट अफेयर के क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों को। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का करेंट का काफी वैल्यू रहता है ना, तो करेंट अफेयर के क्वेश्चंस इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का मैं करा रही हूं, तो आप लोग उसको लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अनअकैडमी पर आने के लिए आप रिंकू लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको किसी और टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और गाइडेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसी और से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मैं ही बताऊंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 3 PM पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर, और कल फिर यहीं पर हम लोग मिलेंगे 12 PM अगेन, कल फिर यहीं पर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा, जाने से पहले मैं बता दूं, मुहिम को सब्सक्राइब करिए, जो लोग भी आए हैं मुहिम को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे शेयर कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, व्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है।